अब क्वेश्चन नंबर वन का एट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस ऊपर ब्रैकेट में अंडर रूट वाई जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, वाई के साथ अलग मल्टीप्लाई होगा, इस वन के साथ ये अलग मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको लिखते हैं इंटीग्रेट अंडर द रूट वाई इंटू वाई प्लस वाई ओवर वाई डी वाई। अब हमने क्या करना है, जो y नीचे लिखा हुआ है ऊपर दो टर्म्स हैं, एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है। अब y हम इसके नीचे अलग अलग लिख देंगे, तो ये आ जाएगा अंडर रूट y इंटू वाई ओवर y प्लस y ओवर y ब्रैकेट लगा के डी वाई। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कटिंग हो सकती है, इस y के साथ कटिंग हो जाएगी, इस y के साथ कटिंग हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेट अंडर रूट y रह जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास 1 रह जाएगा डी वाई। अब इंटीग्रेशन हर एक के साथ अलग अलग लिख देंगे, इंटीग्रेट y अंडर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, डी वाई प्लस 1 डी वाई। अब यहाँ पर देखें y का डिफरेंशियल डी वाई साथ में मौजूद है, तो पावर रूल अप्लाई हो सकता है, तो y पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 प्लस यहाँ पर इंटीग्रल साइन और d इसके साथ कट जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा y प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये आंसर आएगा y पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस y प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम इस स्टेप में नीचे फ्रैक्शन में जो लिखा हुआ है इसको हम उलट करके लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 2/3 वाई पावर 3/2 प्लस वाई प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।